दोस्त ने मुझे वीडियो भेजा एक कि मैं एयरपोर्ट पे शराब पी रखी है। Hey guys, कैसे हैं आप सब? तो guys, आज हम बात करने वाले हार्दिक पांड्या के बारे में। तो आप सभी को पता है जब से IPL शुरू हुआ है मुंबई इंडियंस लगातार 3 मैच अभी तक हार चुका है, वो भी हार्दिक पांड्या के कैप्टनशिप पर। तो इसी पर हार्दिक पांड्या ने रिएक्ट किया, हार्दिक पांड्या ने एक ट्वीट किया है जहाँ पर लिखा है, आप लोगों को इस टीम के बारे में पता होना चाहिए, वो ये टीम है जो कभी हार नहीं मानती, हम लड़ते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसके ऊपर आप लोगों को क्या राय कमेंट करके बताइए, और साथ ही हार्दिक पांड्या के सपोर्ट पर एक हैशटैग भी ट्रेंड कर रहे हैं, डोंट हेट हार्दिक, आप लोगों को क्या राय कमेंट करके बताइए। तो गाइस, अब हम बात करने वाले मयंक यादव के बारे में। जी हाँ, IPL 2024 का 15 मैच LSG वर्सेस RCB के था। तो LSG ने पहले इनिंग्स में 181 रन बनाया और दूसरी इनिंग्स पर RCB ने 153 रन बना के ऑल आउट हो गया। और इस मैच में मयंक यादव ने 4 ओवर डाली और 4 ओवर पर 14 रन दिए और 3 विकेट ली। तो इसके बाद इरफान पठान ने क्या काम सदा सकलित देखते हैं। यादव क्या जबरदस्त चमकता हुआ सितारा मिला है लखनऊ सुपर जायंट्स के जरिए भारत को, ये बड़ी खबर है। कैमरून की बल्लेबाजी कर रहे थे, अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज है, अगला पैर बाहर, पिछला पैर पीछे और फिर बोल्ड हो गति के साथ, ये नजारे देख के बहुत अच्छा लगा। लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन KL राहुल ने जिस तरह से कप्तानी की, लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेके आए, मैचअप बहुत अच्छा था विराट के सामने और बाप के सामने, वहां पर भी मुझे लगता है मैच में पकड़ बनाए। और उसके बाद मयंक यादव को जिस तरह से KL राहुल ने इस्तेमाल किया अलग अलग सिचुएशन में, ये बहुत अच्छा लगा कप्तानी देख के। दूसरी चीज, फाफ की गलती ये है या टीम मैनेजमेंट की गलती है, जहां पे अनुज रावत जैसा बल्लेबाज जो ऊपर बल्लेबाजी करता है उसे नीचे बल्लेबाजी करा रहा है और ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो गेम को फिनिश करेगा। ये स्पेशलिस्ट पोजीशन है नंबर 6 और 7, वहां पे से दिनेश कार्तिक रहते हैं, अगर उनके अलावा कोई और पुख्ता खिलाड़ी जो रहेगा जो गेम को फिनिश करना जानता है तो फिर RCB के लिए बेहतर होगा। आखिर में कोई चीज वहीं पर रह गई RCB के लिए, RCB को आगे जाके अपनी टीम में बदलाव करने की जरूरत होगी। तो गाइस, अब हम बात करने वाले विवेक बिंदा के बारे में। तो कुछ दिन पहले थारा भाई जोगिंदर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था विवेक बिंदा का, वो वीडियो था एयरपोर्ट का। उस वीडियो में थारा भाई जोगिंदर ने बोला था कि विवेक बिंदा ने पी रखी है। तो इसी वीडियो के ऊपर विवेक बिंदा ने वीडियो किया, तो विवेक बिंदा ने क्या काम सुधा सकले देखते हैं। मैं हॉस्पिटल में था पिछले 4-5 दिन से, दोस्त ने मुझे वीडियो भेजा एक कि मैं एयरपोर्ट पे शराब पी रखी है। कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है, अब इन चीजों को इग्नोर करने की आदत पड़ गई हमारे को। पर मैं इन सब में थारा भाई जोगिंदर को धन्यवाद करूंगा। सबसे पहला वीडियो उन्होंने डाला था मेरे बारे में, पर मेरे दोस्त हैं यतेंद्र शर्मा और हमारे जेलर साहब हैं दीपक शर्मा जी, उन्होंने उसको बताया और फिर उसको पता चला, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन देखा उसने, बीमार चल रहा था उसने, मुझे 104 बुखार था। ये मेरा स्टाफ देख रहे हो पीछे, पुष्पिंदर ये मेरे साथ में थे, मेरा बुलदेन गार्डनर और मेरा बाउंसर और मेरे लोग सब साथ में थे, व्हीलचेयर पे मुझे ले जा रहे थे एयरपोर्ट पे। ना तो किसी ने हाथ में ग्लास देखा, ना शराब देखी, बस ये देख लिया कि मैं व्हीलचेयर पे हूँ और ऐसे गर्दन नीचे लटकी हुई है तो कुछ भी बोल देते हैं लोग। स्पेशल धन्यवाद थारा भाई जोगिंदर आपको देना चाहता हूँ मैं, आपने सिचुएशन को समझा, आपने अपना वीडियो डिलीट किया। पर बाई चांस कुछ लोग अपने व्यूज के लिए वीडियो डाल लेते हैं, ये नहीं सोचते कि एक आदमी की तबीयत कितनी ख़राब है, वो कितने दिन से हॉस्पिटल में। आप ये वीडियोस बना देते हैं ना कुछ भी कि भाई ऐसे ही आदमी गिर रहा है सीट पे बैठा व्हीलचेयर पे, व्हीलचेयर बुक कराइए एयरपोर्ट में शुरू में, वहाँ से अब आ रहा हूँ मैं और कहीं जा रहा हूँ। और अब भगवद गीता पढ़ने वाला व्यक्ति सब है, लेकिन क्या है, लोग व्यूज़ के लिए कुछ भी करते हैं। एनीवेज हमें अब उसकी परवाह नहीं है, यू डोंट स्टॉप ऑन एवरी डॉग हूज बार्किंग ऑन योर वे, यू फोकस ऑन योर गोल स्टेटमेंट। और जो लोग बोल रहे हैं नेगेटिव, जिन्होंने ये वीडियो डाला, जिनको पता चल गया कि थारा भाई जोगिंदर इतना प्यारा व्यक्ति है कि वो एक बार में समझ गए, उनको समझ में आ गया, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन देखे, उनको समझ में आ गया, उन्होंने वीडियो हटा लिया, अपना वीडियो डिलीट किया। वरना ये जोगिंदर जो है ऐसा आदमी है जो अपनी बात से हिलता नहीं है कभी भी, ये आप बिल्कुल ऐसा बंदा है जो एक बार बोल दे थारा भाई जोगिंदर उसके बाद फिर वो हिलता नहीं है। लेकिन जब उसको असली पता चली तो उसने बोला भाई सॉरी यार, ठीक है अपना प्यार है आपस भाई का, उन्होंने कहा कि मैं अपना वीडियो हटाता हूँ। पर वो देखा देखी किसी ने कुछ भी डाल दिया, किसी ने कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। अरे भाई, एक आदमी, आपको पता है इतनी सारी तकलीफें चल रही थी पीछे मेरी लाइफ में, लेकिन मैं फिर भी खड़ा रहा। अब हम बात करने वाले ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी और कुणाल कमरा एक स्ट्रीम पर था, यानी लाइव स्ट्रीम पर था, तो उस पर और दो लोग था। तो कुणाल कमरा ने ध्रुव राठी को बोला था कि सर जिनको पता चल जाएगा कि तुम इंडिया आ सकते हो या नहीं। तो इसके बाद उन दोनों में से एक का रिएक्शन फिलहाल सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हो रहा है, वो वीडियो हम देखते हैं। Join for longer, but I hope you had fun, mere bhai. I hope you also had fun, yes. Kunal bhai. Any last words before you guys leave? Bye, Dhruv. Jaldi milenge.
मिलते हैं। मुझे वीडियो जूम फोन अपलोड के बाद करना है पता अभी, चलेगा जस्ट तू मैं वीडियो इंडिया आ रिलीज सकता है करने कि नहीं। वाला था, इसलिए मैं बोल रहा था कि 7 बजे करनी है, 9 बजे करनी है। मैं बोल रहा था कि अब 4 जून पता चलेगा तो इंडिया वापस आ सकता है कि नहीं, तो ऑल द बेस्ट। आज आज वाला वीडियो देखना, हाँ उससे डन, देखता देखता दोस्तों मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, हूँ। मेरा मैंने ऑरेंज पहना है भाई, आई रिप्रेजेंट द राइड भाई, ठीक है भाई। चलिए मैं भाई, जय श्री राम। ऑल राइट गाइस, टेक केयर, मार्केट के साइड में बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर हूँ, कमिंग, बाय। थैंक यू। तो गाइस अब हम बात करने वाले रजत दलाल के बारे में। तो आप सभी को पता है पिछले कुछ दिनों में रजत दलाल का ढेर सारा कंट्रोवर्सी गया है, और साथ ही मैक्सन और एलबी सरफ का जो कंट्रोवर्सी था उसे भी कॉम्प्रोमाइज करा दिया रजत दलाल ने, और खुद का जितना कंट्रोवर्सी था उसे भी कॉम्प्रोमाइज करा लिया। तो इसके बाद एक वकील ने वीडियो अपलोड किया जहां पर बताया कि उसका जितना केस है वो केस रजत दलाल कॉम्प्रोमाइज करा दे। तो वीडियो में क्या कहना चाहता था क्लिप देखते हैं। निवेदन है रजत दलाल से कि भाई मेरे भी इतने सारे केसेस चल रहे हैं, आप देख सकते हो ये सारे केसेस चल रहे हैं, तो इनमें भी कॉम्प्रोमाइज करवा दो थोड़ा, हमें भी थोड़ी रिलीफ मिल जाएगा और क्लाइंट की हम मीटिंग करवा देंगे आपसे। थैंक यू। अब हम बात करने वाले वेंडर्स सहवाग के बारे में। IPL 2024 में मुंबई इंडियंस लगातार 3 मैच हारने के बाद क्या मुंबई इंडियंस कम बैक कर पाएगा? तो पिछले जितना भी सीजन गया था उसमें भी मुंबई इंडियंस पहले कुछ मैचों में हार चुका था, उसके बाद कम बैक करते थे, लेकिन उस बार मुंबई इंडियंस का कप्तान था रोहित शर्मा, लेकिन इस बार है हार्दिक पांड्या। क्या हार्दिक पांड्या भी इस बार कम बैक कर पाएगा? इसके बारे में वीरेंद्र सहवाग ने भी बुलाया, तो वीरेंद्र सहवाग ने क्या कहा चाहता था क्लिप देखते हैं। और मुंबई तो ऐसा है कि मुंबई 3-4 मैच हारती है तो उसके बाद कम बैक करना जानती है, बट वो रोहित की मुंबई थी, हार्दिक की मुंबई नहीं थी। तो ये एक प्रेशर है हार्दिक के ऊपर कि भाई कमबैक कैसे कराया जाए अपनी टीम की।